देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, बस इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब इतने ही मामले वर्ष 2021 में 15 और 16 मार्च के बीच आए थे, जिसके बाद दूसरी लहर की बात कही गई थी। देश में मिले कुल मामलों में से 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोरोना वायरस छप्पर फाड़ संक्रमण दे रहा है। और लोग झोली फैलाए संक्रमण ले भी रहे हैं। सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला जितना रिस्क नहीं लेता है, ये लोग उससे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ खतरा ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले हैं। संक्रमितों का पॉजिटिविटी रेट 3.64% है, लेकिन दिल्ली के सीएम कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। पैनिक होने की कोई बात नहीं है, सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो देखिए तमाशा, भीड़ देखिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का उल्लंघन देखिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले और वो लोग जो ओमिक्रोन को कम खतरनाक बताते हैं, उनके लिए एक्सपर्ट्स की खास सलाह आई है। देखिए, जैसे कि एक डर था कि फिर से केसेस बढ़ेंगे और क्योंकि फिर से कंप्लेसेंट हो गए थे लोग, सेकेंड वेव से पहले भी यही हुआ था, लोगों को लगा कि कोविड खत्म हो गया, केसेस खत्म हो गए हैं। वही हुआ है कि अब थर्ड वेव ऑलमोस्ट टकरा रही है हमारे पे, और 27,000 केस अब दिल्ली में देखिए, 500 केसेस चार दिन पहले, 500 से 923, फिर 1317, फिर 1716 और कल 2700 आ गया है। कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में 1,22,000 एक्टिव केसेस कोरोना के आ चुके हैं, साथ में 28,000 केसेस जो हैं वो हर दिन कोरोना के आ रहे हैं, 924 मृत्यु हो गई है 24 घंटों में, इसलिए हमें घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज बंद, सिनेमा थिएटर पर पाबंदियां, मेट्रो बस ऑटो के लिए अलग कानून, बाजारों में ऑड इवन के नियम सब करके देख लिया, येलो अलर्ट जारी करके देख लिया, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। सरकार ने रोड साइड टेस्टिंग की व्यवस्था भी कर दी है। ताजा विश्लेषण आंकड़ों का यही कहता है कि ऐसे पेशेंट, उनका नंबर्स भले हो, इन्फेक्शन भले बढ़ रहा हो, लेकिन जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उनकी संख्या बहुत ही कम है। और आंकड़ा ये बताता है कि तकरीबन 0.22% ही ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। साफ तौर पर आप देखिए, अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से जो RT-PCR का टेस्ट चल रहा है, एक बार जैसे ही नंबर बढ़ा, ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बाद हरियाणा चलिए, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। ये गुरुग्राम का सदर बाजार है। कोरोना के संक्रमण के चलते आदेश ये थे कि इसे शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह के आदेशों के हालात देखिए। अब राज्य के मंत्री जी से सख्ती वाले बयान सुनिए। हमको पता है कि तीसरी लहर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हरियाणा में लगभग 500 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आज 2000 से ऊपर केस हो गए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं, जिलों को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिनमें ज़्यादा संक्रमण है उनको ए कैटेगरी में रखा है, उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला है, इनमें ज़्यादा सख्तियां लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियां लगाई गई हैं। पूरे साल स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की मन्नत के साथ लोग मंदिरों में भी खूब पहुंचे।
हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। हालात देखिए, हजारों की संख्या में लोग पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड नियमों का पालन दूर दूर तक नहीं होता दिख रहा है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 9000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई में मिल रहे हैं। यहां 6000 से ज्यादा केस एक ही दिन में मिले हैं। वजह इस तरह की लापरवाहियां हैं। मरीन ड्राइव पर दिख रही लापरवाही ने कोरोना को ड्राइव करने का ग्रीन सिग्नल दिया है। देश में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर का प्रदेश जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4512 मरीज मिले और इसके पीछे कारण है लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हालात ये है कि प्रशासन सड़क पर उतरकर लोगों को याद दिला रहा है कि सुरक्षित रहना है तो मास्क लगाओ। देश में कोरोना के 27000 से ज्यादा मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन इस बढ़ते खतरे को देखकर भी लोगों के अंदर कोरोना का डर नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किनकर सिंह, शिरडी से नितिन मिराणे, चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।